वहीं अयोध्या विवाद मामले में आखिरी दौर की सुनवाई से पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। तो अयोध्या जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और अयोध्या मामले में आने वाले संभावित फैसले के मद्देनजर बड़े पैमाने पर फोर्स बुलाई गई है। तो फोर्स के लिए 200 स्कूलों को आरक्षित किया गया है। जिला अधिकारी अनुज झा ने अयोध्या में धारा 144 लगाई है। हालांकि अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और दीपावली महोत्सव पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा। तो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले धारा 144 लगाई गई है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को समाप्त होगी और अयोध्या मामले की आज से आखिरी दौर की सुनवाई चल रही है। तो इस हफ्ते बंद हो जाएगी और कोर्ट में दलीलों के दरवाजे मुस्लिम पक्ष आखिरी बार अपना जो दलील है वो अपने रख सकेंगे। तो अगले 3 दिन हिंदू पक्ष अपनी बात रखेंगे। तो संवेदनशीलता देखते हुए हाईकोर्ट अलर्ट पर है और अयोध्या में धारा 144 फिलहाल लागू कर दी गई है। तो देश की सर्वोच्च अदालत में 17 अक्टूबर तक इस पूरे मामले पर सुनवाई खत्म होने की बात कही गई है, जिसके चलते अब अयोध्या में धारा 144 जो है वो लगाई गई है और अब सिर्फ 4 दिन जो है वो बचे हैं और इन 4 दिनों में जो दलीलें हैं वो रखी जाएंगी और सभी की निगाहें इसी पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट में आकर इन 4 दिनों में क्या होगा। तो इस मामले में आखिरी सुनवाई से पहले अयोध्या जिले में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। 10 दिसंबर तक पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि अगर फैसले को लेकर कुछ माहौल बिगड़ता है तो उसको काबू किया जा सके। तो आपको बता दें कि जैसे रंजन गोगोई की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि इस पूरे मामले को काफी लंबा खींचा गया है और अब दलील रखने का सिर्फ 4 दिन यहां पर बचे हैं, क्योंकि 17 अक्टूबर तक इसको सुनवाई को जो है समाप्त करना है और इन 4 दिनों में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात रहेगी।